अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एसेंस डेस एंड सॉल्ट्स हम पढ़ रहे थे, तो आज इसका सिक्स्थ लेक्चर लेके आ रहे हैं हम। स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, या आप डायरेक्टली इसको बोल सकते हो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। देख लीजिए, अब तक हमने एसिड के बारे में पढ़ लिया है कि हम एसिड किसको बोलते हैं, इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ ली है। साथ साथ हमने बेस के बारे में भी पढ़ा है कि बेस की डेफिनेशन पढ़ी है, इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, और साथ साथ हमने डिटेक्शन की है कि कौन एसिड है कौन बेस है ऑन द बेस ऑफ इंडिकेटर्स। जैसे आपने सिंथेटिक एंड नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में सुना हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है पहले। तो आज हम स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस के बारे में पढ़ेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है एंड वीक एसिड कौन सा है। देख लीजिए, स्टार्ट करने से पहले हम एक बार फिर ये बोल सकते हैं, ये बोलेंगे कि हमने एसिड की जो डेफिनेशन दी थी उस वक्त हमने बोला था कि जो सब्सटेंस विच कॉन्सिस्ट्स ऑफ हाइड्रोजन, कॉन्सिस्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड releases it as H positive ion in water, इसको आपने एसिड बोला था। ठीक है, हमने जब एसिड की बात की थी, जब हमने स्टार्ट किया था, उस वक्त हमने बोला था कि वो केमिकल सब्सटेंसेस जो आप जिनके पास हाइड्रोजन होता है और ही इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक, और जो जैसे ही आप इनको सॉल्वेंट में डिजॉल्व करोगे, वाटर में डिजॉल्व करोगे, तो ये एच पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा। ऐसे सब्सटेंस को आपने उस वक्त बोला था कि ये एसिड है। फॉर एग्जांपल HCl की बात हुई थी, H2SO4 की बात हुई थी, H2CO3 की बात हुई थी, CH3COOH, HNO3 एटसेट्रा। इन सब के बारे में हमने बोला था कि इनके पास हाइड्रोजन, एक तो इनके पास हाइड्रोजन मौजूद है, और दूसरा क्या, दूसरा जब आप इसको वाटर में डिजॉल्व करते हो तो ये क्या करता है, एच पॉजिटिव आयन हमारा रिलीज करता है, जस्ट लाइक HCl, जब आप इसको वाटर में डिजॉल्व करोगे तो ये आपको एच पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन देता था, बिकॉज ऑफ दिस हमने बोला था कि ये एसिड है। ऐसी ही कंडीशन इन सब सब्सटेंसेस में होती है, दैट मींस दे आर ऑल एसिड्स, दे ऑल आर एसिड्स। अब यहां पे बात आ रही है कि हमें ये बोलिए कि इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है एंड वीक एसिड कौन सा है। एक बात आप पहले नोट कर लीजिए, स्ट्रॉन्ग एसिड एक अलग कॉन्सेप्ट है, आप इसको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ नहीं मिलाना। कॉन्सेंट्रेटेड भी हमने पढ़ा है, हमने बोला था जहां एसिड की क्वांटिटी ज्यादा हो वाटर से वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग अलग बात है। ये हम कैसे डिफाइन करेंगे, देख लीजिए, ये सब वाटर में डिसोसिएट होते हैं और एच पॉजिटिव आयन्स हमारे लूज करते हैं, या हम बोलते हैं कि रिलीज करते हैं। हम यहां पे लिखेंगे जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इट इज द एसिड विच dissociates completely, which dissociates completely in solvent or we can say water. ठीक है, इनमें से वो एसिड जो completely dissociate हो जाएगी वाटर में, completely dissociation का मतलब है ions produce करेंगे। For example, अगर आपने 100 grams HCl के लिए थे तो सारे 100 ग्राम्स आपके डिसोसिएट हो गए, 100 ग्राम एच पॉजिटिव दे दिया एंड Cl नेगेटिव दे दिया। ठीक, या सिंपली हम बोल सकते हैं, अगर आप 100 मॉलिक्यूल्स HCl के लेते हो तो 100 के 100 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होके 100 एच पॉजिटिव एंड 100 Cl नेगेटिव आयन्स देते हैं। ठीक है, क्या बोला हमने, दोज एसिड्स
दोज एसर्स विच डिसोसिएट इज कंप्लीटली इन वाटर, दैट मीन्स जो कंप्लीटली डिसोसिएशन का मतलब क्या हुआ यहां पे कि जितने भी मॉलिक्यूल्स या जितना भी क्वांटिटी आपने एसिड का लिया था वो सब की सब किस में चेंज हो गए, आयन्स में। दैट मींस यहां पे आपका एच पॉजिटिव जो है इनकी क्वांटिटी या इनकी कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगी, इनकी कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगी या इनकी क्वांटिटी मैक्सिमम होगी क्योंकि फुल्ली डिसोसिएट हो गया है ये एसिड एंड इट विल गिव अस 100% क्या 100% एच पॉजिटिव आयंस। अब आपको पता है ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन कि वो एसिड जिसमें एच वो सबस्टेंस जो एच पॉजिटिव आयन रिलीज करता है उसको आप एसिड बोलते हो। सिमिलरली जिसमें एच पॉजिटिव आयन अब जो ज्यादा प्रोड्यूस करता है उसको आप बोलोगे स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि एसिड की कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर एच पॉजिटिव आयन से ही आती है। ठीक है, तो हम यहां क्या बोलेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स है जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं सॉल्वेंट में। जब कंप्लीटली डिसोसिएट हो गए वहां पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एच पॉजिटिव आयन्स विल बी रिलीज्ड एंड ऑन द बेस ऑफ एच पॉजिटिव आयन्स ही हमने एसिड की डेफिनेशन दी थी। जहां पे ज्यादा प्रोड्यूस होंगे वो एसिड आपका क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा, वो एसिड आपका क्या होगा स्ट्रॉन्ग। जस्ट लाइक कौन कौन सा एसिड इसमें आता है, HCl, H2SO4, HNO3 etc. These get completely dissociated. ये completely dissociate हो जाते हैं। जब completely dissociate हो जाते हैं that means they are strong acids. They are strong acids. ठीक है, अब दूसरी बात यहां पे आ गई, weak acid आप किसको बोलोगे। Strong acid के बारे में आपने देख लिया कि जो completely dissociate हो जाएगा वो आपका strong acid हो गया। अब those acids which gets dissociated incompletely or you can say partially, वो acids क्या होंगे आपके, वो आपके weak acids होंगे। ठीक है, हाँ क्या बोलते हैं हम यहां पे, इसका just opposite जो कंप्लीटली डिसोशिएट होगा वो स्ट्रांग, जो इनकम्प्लीट या पार्शली डिसोशिएट होगा वो होगा हमारा वीक एसिड होगा। दैट मींस अगर मैं CH3COOH की बात करूं, यहां पे CH3COOH स्टेट आयन एंड एच पॉजिटिव आयन निकल के आ जाएगा एच पॉजिटिव आयन की वजह से ये एसिड है। ठीक है, और दूसरी बात यहां पर मैंने सिंगल एरो दे दिया क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, लेकिन इन केस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स विच आर कंसिडर्ड वीक एसिड्स हमें डबल एरो लगाना पड़ेगा क्योंकि इसको आप बोलते हो ये इक्विलिब्रियम में होते हैं, ये यहां से चेंज होता है, ये मिलके फिर वापस आपको ये बनाता है। ठीक है, तो अगर इसके 100 मॉलिक्यूल्स आप लोगे हो सकता है ओनली 80 मॉलिक्यूल्स विल गेट डिसोशिएटेड, देयर विल बी लेस नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन। देख लीजिए यहां पे ज्यादा H पॉजिटिव आयन निकल के आ रहे थे, यहां पे कम पॉजिटिव आयन निकल के आ रहे हैं। हमें पता है एसिड की डेफिनेशन ऑन द बेस ऑफ H पॉजिटिव ही हमने दी है, दैट मींस जहां पे H पॉजिटिव ज्यादा होंगे वो एसिड स्ट्रांग होगा, यहां पे H पॉजिटिव क्या है कम, दैट मींस दिस एसिड विल बी अ वीक एसिड, दिस एसिड विल बी वीक एसिड बिकॉज इट इज लिबरेटिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एच पॉजिटिव आयन्स। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता है, ठीक है। अब आप वीक एसिड एंड स्ट्रांग एसिड को अल्फा की वजह से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। अल्फा क्या है, इट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कि आपने कितने मॉलिक्यूल लिए थे, आपने कितने मॉलिक्यूल लिए थे और आपके कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए, मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है कि कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए और कितने मॉलिक्यूल आपने लिए थे। यहां पे आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए थे, 100 डिसोसिएट हो गए तो वैल्यू क्या निकल के आ गया 1। दैट मींस इन केस ऑफ यहां पे लिखेंगे इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स
इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स अल्फा इज इक्वल टू वन. अल्फा मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि ये मॉलिक्यूल कंप्लीटली डिसोसिएट होता है कि इनकंप्लीटली, किसके बराबर होता है कि आपने कितने मॉलिक्यूल लिए थे और आपके कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए, या बोल सकते मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाय मॉलिक्यूल्स टेकन. हां, अब अगर आप वीक एसिड की बात कर रहे हो, आपने वीक एसिड में 100 मॉलिक्यूल्स तो लिए थे लेकिन 80 ही डिसोसिएट हो गए, तो वैल्यू क्या निकल के आ गया, 0.8. अल्फा का वैल्यू निकल के आ गया हमारा 0.8, दैट मींस लेस देन 1. हम यहां पे लिखेंगे इन केस ऑफ वीक एसिड्स, इन केस ऑफ वीक एसिड्स अल्फा इज ऑलवेज इक्वल टू लेस देन 1. अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा दिया गया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 के बराबर है, तो आप बोलिए कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड, तो आप सीधे बोल लीजिए कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है. अगर आप 1 के कम हुआ तो आप बोलोगे कि वीक एसिड है. तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोला हमने, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, और वीक एसिड किसको बोला, जो इनकंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए. इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस भी आप चेक कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग बेस भी आप चेक कर सकते हो, या पहले एसिड की ही बात करें. यहां पे सबको पता है CH3COOH, H2CO3, HNO3. ये तो पहले भी हमने बोला है कि जो एसिड सिर्फ एक मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन पॉजिटिव निकल के आ जाए, इसको आप मानो बेसिक एसिड बोलते हो. मानो बेसिक, यहां पे दो निकल के आ जाएंगे, इट विल बी डाई बेसिक, और यहां पे भी एक, इट विल बी मानो बेसिक, इट विल बी मानो बेसिक. ये तो पिछला कुछ रिपीट हो रहा है. हम यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयंस, आयनाइजेबल एच पॉजिटिव आयंस released from one molecule of acid is called its basicity. याद रखिएगा कि एक मॉलिक्यूल एसिड से कितने एच पॉजिटिव आयन रिलीज होते हैं, वो इसको बेसिसिटी बोलते हैं. अब जहां पे एक एच निकल के आएगा, दैट इज मानो बेसिक, वो एसिड. जहां पे दो निकल के आएगा, इट इज डाई बेसिक. जहां पे तीन निकल के आएंगे, इसको आप बोलोगे ट्राई बेसिक, या इसको आप बोल सकते हो पॉली बेसिक. पॉली बेसिक, ठीक ठीक है. हाँ, अब किसकी बात होगी यहां पे, अब यहां पे होगी कि टेस्ट कैसे करोगे आप कि कौन सा एसिड वीक है, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है, कौन सा एसिड स्ट्रांग है. उसी तरह बेस का भी यही मामला है. अब आप क्या करोगे, आप एक कंटेनर ले लीजिए, हम यहां पे लिखेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, किसका, कि आपका स्ट्रांग एसिड कौन है एंड आपका वीक एसिड कौन है. अगर ऐसे आपको डिसोसिएशन नहीं पता, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं पता, तो आप टेस्ट की वजह से भी कर सकते हो. कंटेनर ले लीजिए, ठीक है. फॉर एग्जांपल, दिस इज हियर कंटेनर ए, दिस इज हियर कंटेनर बी, इसमें भी कोई एसिड रखा हुआ है, इसमें भी कोई एसिड रखा हुआ है. अब यहां पे इसको एमीटर के साथ ज्वाइन कीजिए, एमीटर के साथ ज्वाइन कीजिए, इसमें करंट पास कीजिए आप, ठीक है. एक साइड से एमीटर, एमीटर का तो पता ही है, ये करंट आपका मेजर करेगा, ये डिफ्लेक्शन शो करेगा. अब फॉर एग्जांपल, इसकी डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है, यहां पे जो एमीटर है इसकी डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है, दैट मींस मैक्सिमम करंट इज फ्लोइंग. यहां पे डिफ्लेक्शन ये कम है, मिनिमम करंट इज फ्लोइंग. देख लीजिए, दो कंटेनर, टू डिफरेंट एसिड्स, एक में करंट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखाता है एमीटर, एंड दूसरे में मिनिमम अमाउंट का डिफ्लेक्शन दिखाता है एमीटर. हम सबको पता है कि जो ये करंट पास होती है किसी सबस्टेंस से, इट इज बिकॉज ऑफ आइदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस की वजह से.
अब इसमें तो सॉल्यूशन बन गया, इलेक्ट्रोलाइट है ये, तो यहां पे आयन्स की वजह से, आयन्स की वजह से क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा पास। अब आपको पता है कि ये एसिड है दोनों में, दैट देयर इज एच पॉजिटिव आयन। अब मुझे बोलिए जहां पे एच पॉजिटिव आयन्स, या सिंपली हम बोलेंगे जहां पे आयन्स ज्यादा होंगे वो आयन्स रेस्पॉन्सिबल है करंट को पास करने में। दैट मीन्स जितने ज्यादा आयन्स उतनी ज्यादा करंट फ्लो होगी, करंट पास होगी, एंड जितने कम आयन्स उतना कम करंट फ्लो होगी। ज्यादा आयन ज्यादा करंट, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एमीटर की, एंड हियर मिनिमम डिफ्लेक्शन एमीटर की। तो आपको यह पता लगा कि जो एक कंटेनर है इसकी डिफ्लेक्शन क्या थी, ज्यादा। दैट मीन्स इसमें करंट क्या पास हो रही है, ज्यादा। इसमें आयन्स कितने हैं और आयन कौन सा है, एच पॉजिटिव, ज्यादा। हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो कंप्लीटली डिसोशिएट होता है और उसमें ज्यादा से ज्यादा एच पॉजिटिव आयन्स बन जाते हैं। जब यहां पे ज्यादा से ज्यादा एच पॉजिटिव आयन्स है, दैट मींस ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो गया है एंड इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। यहां पे कम लिबरेट हुए हैं, ये इनकम्प्लीटली हो गया है डिसोशिएट, दैट मींस इट इज एन वीक एसिड, इट इज ए वीक एसिड। ठीक, ये तो हो गई स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस की बात, वीक एसिड की बात। अब हम यहां पे क्या करेंगे, बेस की बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस, और यहां पे लिखेंगे हम वीक बेस। क्या वीक बेस, देख लीजिए सिंपल सी डेफिनेशन, बेसिस विच गेट्स कॉम्प्लीटली डिसोशिएटेड, सेम वही सिचुएशन जो हमने एसिड्स में देखा और स्ट्रॉन्ग, और यहां पे क्या बोलोगे, इनकम्प्लीटली डिसोशिएटेड, इसको क्या बोलोगे आप, ये अपनी वीक बेस है। सिंपली जो हमने वहां पे देख लिया वो यहां पे भी है, एंड स्ट्रॉन्ग बेस में क्या क्या आ जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनके ऑक्साइड्स, और यहां पे क्या आ जाएगा आपको, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा। ठीक है, दैट मींस डिसोसिएशन तो यहां पे भी हो जाता है, डिसोसिएशन यहां पे भी हो जाता है, लेकिन इस वक्त आपका क्या बन जाता है डिसोसिएशन में, ओ एच नेगेटिव आयन्स। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस डिसोसिएशन इज मैक्सिमम, दैट मींस एन ओ एच नेगेटिव आयन्स विल बी मैक्सिमम, डिसोसिएशन इज मिनिमम, OH नेगेटिव आयन्स विल बी मिनिमम। अब करंट किससे ज्यादा पास होगी, यहां से करंट ज्यादा पास होगी, दैट मींस एमिटर यहां पे ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा, यहां पे एमिटर कम डिफ्लेक्शन दिखाएगा अगर आपको यहां पे एक्सपेरिमेंट करना होगा। जिस तरह हमने एसिड्स में बोला नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन्स, यहां पे नंबर ऑफ OH आयन्स लिबरेटेड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस, उस वक्त आपने बेसिसिटी बोला था, इस वक्त आप एसिडिटी बोलोगे। यहां पे एक निकला, दैट मींस इट इज मोनो एसिडिक, CaOH। यहां पे दो निकलेंगे OH नेगेटिव, इट विल बी डाई एसिडिक। यहां पे तीन निकलेंगे ट्राई एसिडिक, उससे ज्यादा आप बोलोगे पॉली एसिडिक। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस, बेस की डेफिनेशन है OH की बेस पे, जहां पे OH ज्यादा प्रोड्यूस होंगे वो स्ट्रॉन्ग होगी, जहां पे OH कम प्रोड्यूस होंगे वो वीक होगी। प्रोड्यूस कैसे होंगे, जहां पे आपका डिसोसिएशन कंप्लीट होगा, जस्ट लाइक इन केस ऑफ एसिड्स वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जहां पे डिसोसिएशन वीक होगा दैट विल इनकम्प्लीट होगा, दैट विल बी वीक बेस। और यहां पे भी स्ट्रॉन्ग के लिए अल्फा होगा 1 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, degree of dissociation, and here alpha will be less than 1. This was all about strong bases and the weak bases, strong acid and weak acids, class 10th ke liye. Kal hum iska next lecture leke aa rahe hain. Jisne abhi bhi channel ko subscribe nahi kiya wo subscribe kijiye taki aapke paas notification aa jaye jab bhi main koi naya lecture upload karu. Till then, have a nice day.